गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज आपको कुछ यमी चीज़ बनाने की रेसिपी बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि कुछ भी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स लाते हैं और पेन पेपर लेकर बैठिएगा और ये रेसिपी के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स लिखिएगा। 200 ग्राम खुशियाँ यानी हैप्पीनेस, 300 ग्राम अच्छी सेहत यानी गुड हेल्थ, 100 ग्राम दुख यानी सोरोज और 400 ग्राम भावनाएं यानी इमोशंस, 500 ग्राम सक्सेस। तो ये थे कुछ इंग्रेडिएंट्स। अब आप सब सोच रहे होंगे कि तन्मय जोन ने स्टार्टिंग तो कुछ यमी खाना बनाने के लिए करी थी, लेकिन इसमें ना तो चीनी है और ना ही नमक मसाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़िंदगी की रेसिपी के बारे में, सो एन्जॉय द वीडियो। क्या आपको पता है ज़िंदगी में हम सक्सेसफुल किसे मानते हैं? हम सक्सेसफुल उसे ही मानते हैं जो इन इंग्रेडिएंट्स को चखकर आगे बढ़ा हो। अब इन इंग्रेडिएंट्स को चखने वाले को ही हम एक्सपीरियंस्ड या सक्सेसफुल इंसान क्यों मानते हैं? क्योंकि ज़िंदगी में कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स सबसे ज़रूरी है। उनमें से कुछ हैं एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस एंड जॉयस, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब हम हमारे अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो है मिक्सिंग। और ज़िंदगी में अगर इन इंग्रेडिएंट्स में से कोई भी इंग्रेडिएंट मिस या डिसबैलेंस हो जाए तो ये ज़िंदगी तबाह कर सकता है। सो इन्हें डेलिकेटली मिक्स करना दोस्तों। तो किसी ने क्या सच ही कहा है, ज़िंदगी की राहों में उलझने भी हैं और हंसी भी, हर मोड़ पर मिलेगी कोई ना कोई कहानी नई भी। इस नायाब तोहफे का कर शुक्रिया हमेशा तू दिल से, क्योंकि हर लम्हा इसमें छिपी हुई है ईश की मर्जी भी। दोस्तों, ज़िंदगी में स्वीट मेमोरीज़ और बिटर मेमोरीज़ भी आती हैं और ये ज़रूरी भी हैं। ये आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त दोनों आते हैं और यहीं से तो चैलेंज स्टार्ट होता है। और ये सबसे मेन स्टेप है ज़िंदगी की इस रेसिपी को स्वादिष्ट यानी टेस्टी बनाने का। और इसके साथ ये अगला स्टेप है, जो कि है बेकिंग। किसी ने क्या खूब लिखा है दोस्तों, ज़िंदगी है बदलाव का एक सुंदर सिलसिला, ज़िंदगी है बदलाव का एक सुंदर सिलसिला, हर लम्हा नए रंग संग नया सपना भी खिला, खुशियों के संग गम भी यहाँ आते रहते हैं, फिर भी उम्मीदों का दिया यहाँ पे हर पल जला। और यही सबसे ज़्यादा टाइम और पेशेंस लेता है और यही वो वक्त है जिसमें आप अपने बुरे वक्त यानी ऑब्स्टेकल से सीखे हुई चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारें और उस पर अमल करें। अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे और आप अपने गोल की तरफ बढ़ोगे और इसी के बाद आपकी ज़िंदगी एक टर्न लेगी और आपको रास्ता चुनने का मौका देगी, या यूँ कह लो कि वो एक जादू करेगी आप पर। अगला स्टेप है टेस्टिंग का और वो है एक डिलीशियस केक। किसी ने क्या खूब लिखा है, नेकी करके दरिया में डालना सीख ले, नेकी करके दरिया में डालना सीख ले, हर एक गम को हवा में उड़ाना सीख ले, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, मुस्कुरा कर हर एक पल को जीना सीख ले। ये दुनिया मानती है कि आप 60 साल के होने के बाद सीनियर सिटीजन्स कहलाने लग जाते हैं। क्या आपको पता है आपको सीनियर सिटीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने ज़िंदगी में ये तीनों स्टेप्स देख लिए हैं, जो कि है इंग्रेडिएंट्स, मिक्सिंग एंड बेकिंग। और सीनियर सिटीजन्स होने के बाद 70-80 साल तक
आप अपने कई दांत खो चुके होते हैं, इसलिए मुझे लगा कि केक सबसे बढ़िया रेसिपी रहेगी आपके लिए। और ये एक रिमाइंडर रेसिपी है जिसे आप सब याद करेंगे कि जैसे हमने इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके थोड़ा पेशेंस रखकर बेक किया और आज हम इस मुकाम पर हैं कि हम हमारे पोते पोतियों को हमारी कहानियाँ हंस हंस कर सुनाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ज़िंदगी में ये स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करना क्योंकि ये ही तुम्हें एक मास्टरपीस बनाएगा। ज़िंदगी परिवर्तन का नाम है ये सच्चाई है, ज़िंदगी परिवर्तन का नाम है ये सच्चाई है। हर पल में छुपी हुई एक नई गहराई है, हर पल में छुपी हुई एक नई गहराई है। कभी खुशी कभी गम ये सफ़र निरंतर है चलता, कभी खुशी कभी गम ये सफ़र निरंतर है चलता। हर मोड़ पे मिलती सदैव नई परछाई है, हर मोड़ पे मिलती सदैव नई परछाई है।